आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। भीम आर्मी ने सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद को दिया समर्थन। दरअसल समर्थन की घोषणा सहारनपुर में सोमवार को राहुल प्रियंका की रैली में होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से रैली रद्द हो गई, जिसकी वजह से इमरान मसूद को समर्थन की घोषणा नहीं हो सकी। सापा के बाहुबली पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह कांग्रेस में शामिल। बस्ती लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। राजकिशोर सिंह के आने पर बदल जाएगा बस्ती लोकसभा का समीकरण। बसपा ने जारी किया 5 और प्रत्याशियों की लिस्ट। सीतापुर से नकुल दुबे को टिकट। बसपा ने फतेहपुर से सुखदेव प्रसाद को मैदान में उतारा है। उनकी टक्कर बीजेपी के मौजूदा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति और सापा छोड़कर कांग्रेस में गए पूर्व सांसद राकेश सचान से है। बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की संधन अनुराधा शर्मा ने ज्वाइन की बीजेपी। बता दें कि अनुराधा शर्मा के भतीजे अनुराग शर्मा को बीजेपी ने झांसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। बिजनौर में प्रियंका के रोड शो में कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं में टकराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। अयोध्या विवाद में अधिग्रहित जमीन पर केंद्र सरकार की अर्जी का निर्मोही अखाड़े ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ पैथोलॉजी में धांधली, 60 रुपए किडनी की जांच वसूल रहे 200 रुपए। केजीएमयू में ऑनलाइन के नाम पर मनमानी वसूली, बिलों में चल रही है हेराफेरी, मरीज परेशान। लखनऊ में एसएसपी कलानिधि नैदानी के निर्देश पर पुलिस टीम ने किया कचहरी परिसर का निरीक्षण। सीओ चौक दुर्गा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में वजीरगंज पुलिस ने कचहरी के चप्पे चप्पे की चेकिंग के साथ किया लकअप चेक। इंस्पेक्टर वजीरगंज अजय कुमार सिंह ने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ चलाया चेकिंग अभियान। 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण का होगा मतदान। पहले चरण में 18 राज्यों की 89 सीट और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 2 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। मुसलमानों से गठबंधन को वोट करने की अपील पर मायावती की आलोचना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कहा है कि धर्म और जाति के आधार पर मतों का विभाजन करना कतई उचित नहीं है। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉगिन करें www.खबरों की दुनिया.com।